ओम श्री बामन पुराण द्व्यशीतितमोध्याय बयासीमोध्याय चंद्रदान के कथा प्रसंग में उपमन्यु तथा श्रीदामा का वृत्तांत, शिव द्वारा विष्णु को चक्र देना, हर का विरूपाक्ष हो जाना और श्रीदाम वध। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिवसा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच, भगवान लोकनाथाय विष्णुवेपी समेक्षण किमर्थमायुधं चक्रं दत्तवान् लोकपूजितं। पुलस्य उवाच, शृणु सावहितो भूता कथामेतां पुरातनीं चक्र प्रदान संबद्धां शिव महात्म्य वर्धिनीम्। आसी द्विजाति प्रवरो वेद वेदांग पारग गृहश्रमी महाभागो वीतमन्युरीति स्मृत तस्यात्रेयी महाभाग भार्याशील सम्मता पतिव्रता पति प्राण धर्मशीले विश्रुता तस्याम से महर्षेस्तु ऋतुकाल भीगामिनः संबभूव सुतः श्रीमान उपमन्युरीति स्मृत तम माता मुनिशादुल शाली पिष्ट रसेन वै पोषयामास वदती क्षीरमेतद सुदरगता। सोजाना नोथ क्षीरस्य स्वादुतां पय इत्यथ सम्भावनामप्यकरो छाली पिष्टरसेपिः सत्वे कदा समं पित्रा कुत्रचित् द्विजभेष्मनि क्षीरोदनं च बुभुजे सुस्वादु प्राणपोषितं सलब्ध्वानुपमं स्वादं क्षीरस्य ऋषिदारकः मात्रा दत्तं द्वितीयेन नादत्ते पिष्टबारिः पिष्टबारी तद् रुरोदास ततो बाल्यात् पयोऽर्थी चातको यथा तं माता रुदति प्राह बाष्पगदगदया गिरा उपामतौ पशुपतौ उमापतौ पशुपतौ शूलधारिणी शंकरे अप्रसन्ने विरूपाक्षे कुतः क्षीरेण भोजनम यदि चषि पयो भोक्तुं सद्य पुष्टिकरं सुत तदाराधय देवेशं विरूपाक्षं त्रिशूलिनम्। तस्मिन् स्तुते जगद्धाम्नि सर्वकल्याणदायिनि प्राप्यते मृतपायित्वं किं पुनः क्षीरभोजनं तन्मातृवचनं श्रुत्वा वीतमन्युसुतो ब्रवीत् कोऽयं विरूपाक्ष इति त्वया राध्यस्तु कीर्तितः ततः श्रुतं धर्मशीला धर्माढ्यं भाग्यम् अब्रवीत् योऽयं विरूपाक्ष इति श्रूयतां कथयामि ते आसीन् महासुरपतिं श्रीराम इति विसुतः तेनाक्रमे जगत् सर्वं श्रीर्णीता शोषं पुरा निःश्रिकास्तु त्रयो लोकाः कृतास्तेन दुरात्मना श्रीवत्सं वासुदेवस्य हतुमयि छन्महाबलः तमस्य भगवान अभिप्राय जनार्दन ज्ञावा तस् बदा कांक्षी महेश्वर मुगत गमद एतस्तरे शंभुर योगमूर्ति धरोवेय तस्थौ हिमाचल प्रस्थम आश्रित स्वस्थ भूतल अथा भेद्य जगन्नाथ सहस्र शिवशंभु आराधया मास हरि स्वयमात्मात्मना साग्रं वर्ष सहस्रं तु पादंगुष्ठेन तस्थिवन गृणं तत्परमं ब्रह्म योगी ज्ञेयमलक्षणं ततः प्रीतः प्रभु प्रादात् विष्णवे वरं परमं वरं प्रत्यक्षं तेषं श्रीमान् दिव्यं चक्रं सुदर्शनं तद्दत्त्वा देवदेवाय सर्वभूत भयप्रदं कालचक्रमिवं चक्रं शंकरो विष्णुमब्रवीद वरायुधोऽयं देवेश सर्वायुध निवर्हणः सुदर्शन द्वादशारः षण्णाभिर्द्वियुगोजवी आरासं स्थास्तमी चाष देवा माषा सराशय शिष्टा रक्षनाथाय संस्थिता ऋतव सड़ अग्निशोमस्तथा मित्र वरुणोत सचिपति इंद्राग्निताभिषे प्रजापत एव च हनुमानसाथ बलवान् देवो धन्वन्तरिस्तथा तपस्यैव तपस्यस्य द्वादशैते प्रतिष्ठिताः चैत्राद्यः कलुनान्ताश्च मासास्तत्र प्रतिष्ठिताः त्वमेव माधाय विभो परायुधं शत्रुं शत्रुं सुराणां जहिमा विशङ्किताः अमोघ एषो मर राजपूजितो धृतो मया मे प्रगतस्तपोबलात् एत्युक्तः समुना विष्णुभवं वचनम् अब्रवीत्। कथम संभव बीजानीय ममोघ मोघ एव यद्य मोघो विभो चक्र सर्वत्र प्रतिघस्तव जिज्ञासार्थं तव इवेह प्रक्षेप्स्यामि कृति छव तद्वाक्य वासुदेवस्य निसंज्ञाः पिनाक धृग यद्येवं प्रक्षि प्रक्षिपाश्वेति निर्दिशं निर्दिशङ्केन चेतसा तन्महेशान वचनं श्रुता देहि सुदर्शन मुमोद तेज जिज्ञासु शंकरं प्रतिभेगवान् मुरारिकर भ्रष्टं चक्र मतिभेद्य शूलिन त्रिधा चकार विश्वेशं यज्ञ संयज्ञयाजगं हरं हर हरं हरिषुयधाभूतं दृष्ट्वा कृतं महाभुज वृडोपकृत देहस्तु प्रणिपात परो भवद पाद प्रणाम वनतं भिक्ष दामोदरं भव पाप प्राह प्रीतिपरः श्रीमान् उत्तिष्ठति पुनः पुनः। प्राकृतोऽयं महाबाहो विकारश्चक्रनेमिना निकृतो न स्वभावो मे स्वच्छेद्योदाह्य एव च
तेनानी चक्रेण त्रीणी भागा निकेशव कृतानी तानि पुण्यानि भविष्यन्ति न संशयः हिरण्याक्षेक सुवर्णाक्ष तृतीयश्च विरूपाक्षस्त्रयोमी पुण्यदाण्डिनाम् उत्तिष्ठ गच्छ विभो निहन्तु मम रार्दनम् श्रद्धाम्नि निहते विष्णु नन्द इष्यन्ति देवताः इत्येव मुक्तो भगवान् हरेण गरुडध्वजः गत्वा शूरगिरिप्रस्थं श्रद्धामानं ददर्शः तं दृष्ट्वा देवदर्पगुणं दैत्यं देवपरो हरिः मुमोच चक्रं वेगाढ्यं हतोऽसि अति ब्रुवन्मुहो ततस्तु तेन प्रतिपौरुषेण चक्रेण दैत्यस्य शिरो निकृतम् संचिन्न शीर्षो निपपात शैलाद वज्राहतम शैल शिरो यथैव तस्मिन् हते देवरिपो मुरारी ऋषम समाराध्य ऋषम समाराध्य विरूप नेत्रम लब्धा चक्रम प्रवरम महायुधम जगाम देव निलयम पयोनिधिम सोयम पुत्र विरूपाक्ष देवदेव महेश्वर तमा राधय चेत साधु क्षीरेणे छसि भोजन तन्मातृवचन श्रुता बीत मनु सुतो बलि तमाराध्य विरूपाक्ष प्राप्त क्षीरेण भोजन एवं तो वक्त परम पवित्र संसेधनम सर्वतनोह पुरा वै तत्तीर्थवर्यम स महास्वरूप समसादार्थ सुपुण्य हेतु इति श्री वामन पुराणे द्व्यशीतितमोध्याय बयासीमोध्याय समाप्त। हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिब स्वामित्वमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकाय तवारे भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे प्रायश्च मां केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधवेति यप्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देह गतो विभाति यथा नील पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्।